वो मेन हत्या है, वही हत्यारा है। 3 साल से मेरी लड़की को टॉर्चर कर रहा है, मारता है, पीटता है, गाली देता है। सारनाथ चौकी में एक खबर आई है, परसाल बर्थडे में मेरी लड़की को मारा था, यही बनारस में। वो सारनाथ चौकी में है, उन्होंने केस नहीं लिखा है, उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, मेरी लड़की रनिया को मारा है पूरा आग सारनाथ चौकी। ये सारनाथ चौकी पर मुझे भरोसा नहीं है, सारनाथ चौकी बिकी हुई है। समर सिंह ने 2 करोड़ में खरीदा है सारनाथ चौकी को, 2 करोड़ में खरीदा है, मुझे भरोसा नहीं है सारनाथ चौकी। भोजपुरी गायक समर सिंह को 3 साल पहले कोई नहीं जानता था। आकांक्षा दुबे के कारण ही समर सिंह की पहचान बनी, जिसके कारण पहचान बनी उसी की जान समर सिंह ने ले ली। अब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है। ये बातें हम नहीं बल्कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे ने सोमवार को वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कही थी। प्रेस वार्ता में मधु दुबे ने न सिर्फ पुराने आरोपों को दोहराया बल्कि कई नए आरोप भी मढ़ दिए। कहा कि मुझे सारनाथ थाने की पुलिस पर भरोसा नहीं है। समर सिंह से 2 करोड़ रुपए लेकर सारनाथ थाने की पुलिस बिक चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आकांक्षा की मौत के मामले में सारनाथ पुलिस ने किसी तरह की छेड़छाड़ की तो ठीक नहीं होगा। ये सारनाथ चौकी पर मुझे भरोसा नहीं है, सारनाथ चौकी बिकी हुई है। समर सिंह ने 2 करोड़ में खरीदा है सारनाथ चौकी को, 2 करोड़ में खरीदा है, मुझे भरोसा नहीं है सारनाथ चौकी। मेरी लड़की का मोबाइल, मेरी लड़की का मोबाइल आज 15 दिन हो गया, 15 दिन मेरे लड़की का मोबाइल हो गया, अभी तक खुला नहीं है। ये लोग कैसा प्रयास कर रहे हैं कि मोबाइल नहीं खुल रहा है। अब मेरी लड़की के मोबाइल में से एक भी प्रूफ गायब हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब कड़ी से कड़ी मैं ये लोग के ऊपर आरोप लगाऊंगी। मेरी लड़की का मोबाइल में से सारा एविडेंस ये लोग ने उड़ा दिया है, समर सिंह के कहने पर समर सिंह खरीद लिया है लोग को, और सीबीआई जांच की मुझे चाहिए। बताया कि आकांक्षा का मोबाइल सहित अन्य सामान सारनाथ थाने में ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन समर के साथ मिला हुआ है, पुलिस ही समर को छिपा कर रखा हुआ था, दबाव बनाने पर गिरफ्तारी दिखा दी। समर के समाजवादी पार्टी से संबंध है, उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पे सीबीआई जांच की मांग की है। एक सवाल के जवाब में मधु दुबे ने दोहराया कि मेरी बेटी आकांक्षा आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या में समर सिंह और संजय सिंह शामिल है, होटल का मैनेजर और सारनाथ पुलिस समर सिंह की साजिश का हिस्सा है। मधु दुबे ने बताया कि 25 मार्च की रात 8 बजे तक वो बिल्कुल खुश थी, फोन पर मेरी उससे बात भी हुई थी। आकांक्षा जब महमूरगंज में पार्टी कर होटल लौटी तो बिल्कुल ठीक हालत में थी, लेकिन होटल मैनेजर ने बताया था कि वो शराब के नशे में थी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी। उन्होंने पूछा कि रात करीब 2 बजे युवक के होटल आने का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उसके वापस जाने का वीडियो क्यों नहीं है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आकांक्षा ने खुदकुशी कर ली। आरोप लगाया कि आकांक्षा के कमरे में पहुंचने से पहले ही वहां किसी व्यक्ति को बैठाया गया था, उसी ने आकांक्षा की हत्या की। मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती, उसके पास कोई भी कमी नहीं थी कि वो ऐसा करे, उसे मारा गया है। 21 तारीख को समर सिंह का वो जो भाई है, समर सिंह का भाई 21 मार्च को मेरी लड़कियों को धमकी देता है कि तुझे गायब करवा दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। 22 तारीख को मेरी लड़की बनारस आती है, मेरी लड़की बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारे पास कितना पावर है, तुम मुझे मरवा दूंगी। 22 तारीख को बनारस में आती है, 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनका बनारस में, 24 की रात को मेरी लड़की को मरवा दिया। मुझे बोली मैं भी ये नहीं ली, मेरी लड़की भी दिमाग भाई धमकी दिया थोड़ी मार देगा, लेकिन ये सच में कर दिया। ये पूरी समर सिंह की पूरी चाल, इसका ही भाई वो जो भाई बोलता है इंटरप्राइजेट कंपनी चलाता है संजय सिंह। जब मधु दुबे से सवाल किया गया कि समर सिंह खुद को निर्दोष बता रहा है और गिरफ्तारी के बाद से ही रो रहा है, तो उन्होंने कहा कि समर बहुत सातिर है, वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है। मधु दुबे ने कहा कि 1 साल पहले इसी सारनाथ में एक बर्थडे पार्टी के दौरान समर सिंह ने मेरी बेटी आकांक्षा को मारा था, तब आकांक्षा ने सारनाथ थाने में शिकायत भी की थी, आकांक्षा ने फोन कर इसकी सूचना भी दी थी, तब मैंने समर को फोन पर बहुत डांटा था, तब सारनाथ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी।
21 मार्च को संजय सिंह ने फोन पर आकांक्षा को धमकी दी कि वो उसे मार देगा और 26 मार्च की रात ही आकांक्षा की हत्या हो गई। मैं मेरी लड़की को मारा था यही बनारस में, वो सारनाथ चौकी में है, उन्होंने केस नहीं लिखा है, उन्होंने मुझे फोटो दिखाया मेरी लड़की रनिया को मारा है पूरा सारनाथ चौकी, ये सारनाथ चौकी पर मुझे भरोसा नहीं है, सारनाथ चौकी बिकी हुई है।